हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनर ईयर। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आउटर ईयर और मिडिल ईयर को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सो इनर ईयर को लैब्रिंथ भी कहते हैं और ओरिस इंटरना भी कहते हैं। इनर ईयर में 3 पार्ट्स आते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। सो मिडिल ईयर के बाद इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। इसमें ये जो ग्रीन कलर के ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये 3 होते हैं। देन वेस्टिब्यूल होते हैं यहाँ पर, एंड देन ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर्स है, कॉयल स्ट्रक्चर, इसको कोक्लिया बोलते हैं। सो यहाँ मैंने इनर ईयर का डिटेल डायग्राम शो किया हुआ है। इनर ईयर में मेन जो सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस प्रेजेंट रहते हैं। सो इनर ईयर से ही जो हम सुन पाते हैं और हमारी बॉडी का जो बैलेंस या पोस्चर है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स है हियरिंग और बैलेंस के, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो सबसे पहले इनर ईयर क्या है? नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल चैनल्स एंड कैविटीज है। सो ये एक नेटवर्क है किसका? चैनल्स और कैविटीज का। सो इसमें क्या फिल रहता है? फ्लूइड फिल रहता है। अब इसमें 2 लैब्रिंथ होते हैं, लैब्रिंथ या कैविटीज आप कह सकते हैं। एक है बोनी लैब्रिंथ एंड सेकेंड है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब जो हमारा इनर ईयर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन में प्रेजेंट है। सो ये टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, इसलिए जो आउटर कैविटी, आउटर लैब्रिंथ है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये है बोनी लैब्रिंथ। सो ये टेम्पोरल बोन से बना है, बोनी लैब्रिंथ है। इसके जो इनसाइड है, ये जो ग्रीन कलर वाला, ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक से बना है। सो बोनी लैब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज एनक्लोज बाय बोनी लैब्रिंथ। अब मैंने कहा था कि ये फ्लूइड फिल्ड चैनल्स एंड कैविटीज हैं। हमें पता लग गया कि ये बोनी लैब्रिंथ है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। अब इसमें फ्लूइड फिल रहता है। जो फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने ब्लैक डॉट से शो किया है, वो है पेरिलिम्फ फ्लूइड। पेरिलिम्फ फ्लूइड बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसा होता है, इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन हाई रहती है। जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट है, जिसको मैंने ग्रीन डॉट से शो किया है, वो है एंडोलिम्फ फ्लूइड। एंडोलिम्फ फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह है, जिसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जो इनर ईयर है, हमें पता है इसके 3 पार्ट्स है, इसके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, क्योंकि ये सेमी सर्कल में है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंड वेस्टिब्यूल सेंटर में, एंड एक कोक्लिया जो कि स्नेल स्ट्रक्चर्स है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करते हैं। 3 जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये बैलेंस या पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ऐसे ही जो वेस्टिब्यूल है, ये जो पोर्शन है मिडिल वाला, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, जिसको ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन मतलब इसमें 2 ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी यूट्रिकल एंड सेक्यूल इसमें प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल में। सो वेस्टिब्यूल किससे बना है? ये है यूट्रिकल, थोड़ा सा बड़ा, एंड ये है सेक्यूल। सो यूट्रिकल एंड सेक्यूल से बना है वेस्टिब्यूल, जिसको ऑटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। सो ये वेस्टिब्यूल भी किसमें हेल्प करता है? बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में। सो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल या ऑटोलिथ ऑर्गन को मिलाकर दोनों को क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। सो वेस्टिब्यूलर एपरेटस हमारा बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है बॉडी की। अब हम बात करते हैं कोक्लिया। कोक्लिया जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल जैसा, ये हमारा हियरिंग में इंपॉर्टेंट है। हियरिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग प्रेजेंट है, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस में सेंस ऑर्गन ऑफ बैलेंस प्रेजेंट है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। सो हमारी बॉडी में कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? मीन्स ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट हैं। ये 3 टाइनी स्मॉल होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स। तो इनमें फ्लूइड फिल रहता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। बोनी लैब्रिंथ, जो बोनी पार्ट है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, या फिर जो सेमी सर्कुलर डक्ट भी कहते हैं इसको, वो एक मेम्ब्रेनस पोर्शन है, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। सो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो ये राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि ये तीनों प्लेन्स में आ सके, ताकि हमारा हेड जिस साइड भी मूव करे, उस साइड
हमें पता लग जाए, मीन्स जो हमारा ब्रेन है वहां तक सेंसरी नर्व्स पहुंच जाए और ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, किस पोजीशन में. सो किसी भी पोजीशन में मूव करें उसमें बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. इसलिए ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ये राइट एंगल पर प्रेजेंट है और हर एक प्लेन में जाती हैं. सो ये जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं कैसे प्रेजेंट है, एक है एंटीरियर और सुपीरियर. सो दिस इज द एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल. ये है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और एक है लेटरल. ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि साइड में प्रेजेंट रहती है. अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी ये दोनों जो कैनाल्स हैं ये क्या वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है, वर्टिकल प्लेन में. लेकिन जो लेटरल, ये वाली लेटरल है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट है. अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इसमें दो एंड होते हैं इसके, एक होता है एनलार्ज एंड और एक होता है नैरो एंड. सो ये अगर हम इस वाले सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें तो ये है इसका नैरो एंड और ये है एनलार्ज एंड जो थोड़ा सा बड़ा है. सिमिलरली तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल में एक नैरो एंड होता है, एक एनलार्ज एंड होता है. सो जो एनलार्ज एंड होता है, जो बड़े वाला एंड है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला. सो एनलार्ज एंड को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, जहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ बैलेंस प्रेजेंट रहते हैं. सो ये है एम्प्यूला. अब बैलेंस के लिए यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एम्प्यूला में, उसको क्या कहते हैं. सो सेमी सर्कुलर के नाम में जो सेंसरी रिसेप्टर बैलेंस के लिए प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस. सो क्रिस्टा एम्पुलैरिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एनलार्ज एंड है जिसको एम्प्यूला कहते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. अब एम्प्यूला में क्रिस्टा एम्पुलैरिस प्रेजेंट है जो कि बैलेंस को सेंस करते हैं. क्रिस्टा एम्पुलैरिस में क्या प्रेजेंट रहता है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हेयर सेल्स. हेयर सेल्स मेन इंपॉर्टेंट है और कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हेयर सेल्स कौन से, टाइप 1 एंड टाइप 2. ये हेयर सेल्स कैसे होते हैं, इस तरह के हेयर सेल्स होते हैं जिनमें सीलिया निकल रहा होता है. सो सीलिया ऊपर प्रेजेंट है हेयर सेल्स के. इनका फंक्शन क्या है, जैसे ही हम कोई भी पोजीशन में आते हैं बॉडी की, हम थोड़ा सा भी हिले डुले हमारा जो हेड वगैरह है, सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है अंदर हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल में, ये देन मूव करता है फ्लूइड. जब फ्लूइड मूव करता है तो ये जो हेयर सेल्स है इनके जो हेयर या सीलिया है वो बेंड हो जाते हैं. जब बेंड होते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है एंड इस तरह से बैलेंस हमारी बॉडी का मेंटेन होता है. अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल की. सो वेस्टिब्यूल ये वाला रीजन है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो वेस्टिब्यूल के साथ कॉन्टिन्यूस है. सो वेस्टिब्यूल को ऑटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं. ये कैसे बनता है, यूट्रिकल और सेक्यूल के साथ बनता है. यूट्रिकल एंड सेक्यूल वेस्टिब्यूल में आते हैं. इसमें भी सेम, अब ये जो यूट्रिकल है ये भी सेक्यूल के साथ भी इंटरकनेक्टेड है. यानी यूट्रिकल इज कंटिन्यूस विद सेक्यूल थ्रू यूट्रोसेक्युलर डक्ट. जो हमारे वेस्टिब्यूल है वहां पर भी सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बैलेंस के लिए. जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टा एम्पुलैरिस प्रेजेंट होते हैं एम्प्यूला में, ऐसे ही यहाँ पर मैक्यूला प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल में. सो वेस्टिब्यूल में मैक्यूला प्रेजेंट है जो कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर वेस्टिब्यूल का जो बैलेंस को मेंटेन करेगा. मैक्यूला में भी इसी टाइप के हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 हेयर सेल्स. सो कोक्लिया क्या है, सो कोक्लिया इज अ कॉइल स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल. सो ये है कोक्लिया, कॉइल स्ट्रक्चर है लाइक अ स्नेल, स्नेल की शेल जैसा है. स्नेल शेल को कोक्लिया कहते हैं, इसलिए इस पार्ट का नाम कोक्लिया पड़ा है. सबसे इनर मोस्ट पार्ट है इनर ईयर का. ब्रॉड बेस एंड एपेक्स, अब इसका ये एक बेस है जो कि ब्रॉड है, जो कि वेस्टिब्यूल के साथ कॉन्टिन्यूस में ब्रॉड बेस. और इसका जो एंड है यानी एपेक्स है जहाँ पर ये सेंटर में कॉइल हुआ है वो क्या है, नैरो है, जिसको बोलते हैं क्यूप्यूला. सो क्यूप्यूला बोलते हैं इसके एंड और एपेक्स को. अगर हम क्रॉस सेक्शन करें कोक्लिया का, सो कोक्लिया में क्या प्रेजेंट है, कोक्लिया में जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो हियरिंग के लिए वहाँ प्रेजेंट है कोक्लिया में. सो क्रॉस सेक्शन अगर कोक्लिया का करें तो थ्री कंपार्टमेंट्स आते हैं. थ्री कंपार्टमेंट, फर्स्ट है स्काला वेस्टिबुलाई, सेकेंड स्काला मीडिया और जिसमें कोक्लिया डक्ट प्रेजेंट होती है, और थर्ड स्काला टिम्पैनी. जैसे पूरा इनर ईयर है वैसे ही कोक्लिया के अंदर भी बाहर जो है बोनी पोर्शन है एंड अंदर मेम्ब्रेनस पोर्शन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है. सो बोनी पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगा, पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस में अंदर प्रेजेंट होगा एंडोलिम्फ. सो स्काला वेस्टिबुलाई और जो स्काला टिम्पैनी है,
स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पनी, ये क्रॉस सेक्शन है कोक्लियर डक्ट का। इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? पेरिलिम्फ, क्योंकि ये बोनी पोर्शन के पार्ट्स हैं। स्काला वेस्टिबुलाई एंड स्काला टिम्पनी, इसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। जो स्काला मीडिया है उसमें कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है, ये है स्काला मीडिया ट्रायंगुलर शेप का, इसमें कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है जो कि ट्रायंगुलर शेप की है क्रॉस सेक्शन में। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेनस पोर्शन का पार्ट है तो इसमें एंडोलिम्फ प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर ये थ्री कंपार्टमेंट्स हो गए क्रॉस सेक्शन में, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला टिम्पनी और बीच में स्काला मीडिया जिसमें एंडोलिम्फ प्रेजेंट है या कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है। अब स्काला मीडिया के बेस पे क्या प्रेजेंट रहता है? ट्रायंगल के बेस पे बेसिलर मेम्ब्रेन, बेस पे बेसिलर मेम्ब्रेन है जहां पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है? ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, यानी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। किसके? कोक्लिया के सेंसरी रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्पेशलाइज सेंसरी ऑडिटरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। जैसे ही साउंड वेव्स में एंटर होती हैं तो वाइब्रेट होता है जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, देन फर्दर जो ऑर्गन्स हैं उन वाइब्रेशन के लिए ऑर्गन ऑफ कोर्टाई सेंसिटिव होते हैं, एंड देन ये वाइब्रेशन को सेंस करते हैं और ब्रेन तक हमारे इन सेंसरी सिग्नल्स को लेकर जाते हैं। कैसे? ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है इनसे जो सेंसरी नर्व्स निकल रही हैं वो किसके साथ कंबाइन हो जाती हैं? जो कोक्लियर नर्व निकल रही है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, उसका जो कोक्लियर पार्ट है जो कोक्लिया से निकल रहा है उस नर्व के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं। सो ये है कोक्लिया। ऐसे ही वेस्टिब्यूल जो है हमारा अपरेटस, वेस्टिब्यूलर अपरेटस से वेस्टिब्यूलर नर्व निकलती है। सो वेस्टिब्यूलर नर्व कोक्लियर नर्व के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है? एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हियरिंग कैसे पॉसिबल है, हम कैसे सुन सकते हैं। सो सबसे पहले कोई भी साउंड वेव्स है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में। कुछ भी हम सुन रहे हैं ये है साउंड वेव्स। सो साउंड वेव्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। इन साउंड वेव्स को ऑरिकल कलेक्ट्स एंड कंसंट्रेट वेव्स सेंड टू ऑडिटरी कैनाल। सो जो हमारा ऑरिकल है यानी पिन्ना है वो उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। सो ऑडिटरी कैनाल में ये साउंड वेव्स देन ट्रांसमिट हो जाती हैं थ्रू ऑरिकल या पिन्ना। अब क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट, जब ऑडिटरी कैनाल में ये साउंड वेव्स जाती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर हिट होती हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन से क्या होता है? वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू मिडल ईयर कॉजिंग ऑसिकल्स टू वाइब्रेट। अब ये वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू मिडल ईयर में ट्रांसमिट हो जाती है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। सो ईयर ऑसिकल्स हमारे कौन से हैं? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। सो ये ईयर ऑसिकल्स देन क्या होते हैं? फर्दर वाइब्रेट होते हैं या मूव होते हैं। ईयर ऑसिकल्स की मूवमेंट होती है जिससे क्या होता है? फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस हिट ओवल विंडो। तो जो स्टेपिस जो एंड वाली हमारा ईयर ऑसिकल है उसकी जो फुट प्लेट है वो ओवल विंडो पर हिट करती है। जब वो ओवल विंडो पर हिट करती है तो फ्लूइड इन कोक्लिया मूव। सो जो इनर ईयर में जो कोक्लिया है वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या करता है? मूव करता है। जब फ्लूइड मूव करता है तो क्या होता है? एक पेरिलिम्फ फ्लूइड है, एक एंडोलिम्फ। जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो भी कोक्लियर डक्ट यानी कोक्लिया के अंदर जो कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट है उसमें जो एंडोलिम्फ है वो भी मूव करता है। उसकी मूवमेंट से क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्योंकि कोक्लियर डक्ट की जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वहां पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पर हेयर सेल्स प्रेजेंट है। तो इस एंडोलिम्फ जब फ्लूइड मूव होता है तो ये हेयर सेल्स क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं। हेयर सेल्स बेंड होने की वजह से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में क्या होता है? नर्व इंपल्सेस जनरेट होती हैं एंड पास थ्रू कोक्लियर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। तो ये जो नर्व इंपल्सेस जब जनरेट होती हैं तो ये जो कोक्लियर पोर्शन है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का, जो कोक्लिया से जो कोक्लियर पोर्शन निकल रहा है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व यानी एट्थ क्रेनियल नर्व का, वो क्या होता है? वहां पर नर्व इंपल्सेस पास हो जाती हैं। देन ये जो नर्व इंपल्सेस है कोक्लियर डक्ट के साथ कोक्लियर नर्व के साथ मिलकर कहाँ जाती है? ट्रांसमिट टू मेड्यूला ऑफ सेरिब्रम। सो हमारा जो सेरिब्रम है वहां पर लेफ्ट और राइट पोर्शन है सेरिब्रम का, दोनों पार्ट्स में क्या है? दोनों ईयर से हियरिंग जाती है और उससे पहले एक सिनेप्स बनता है। सो जो सेंसरी नर्व्स है वो हमारे सेरिब्रम तक जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट नर्व्स, और जो सेरिब्रम से सिग्नल लेकर आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट नर्व्स। सो देन इस तरह से हियरिंग पॉसिबल हो पाती है, इस तरह से हम सुन पाते हैं। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस।
पोस्चर या फिर इक्विलिब्रियम कि हम हमारे बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, ईयर का इसमें क्या फंक्शन है। सो ईयर में जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल है यानी वेस्टिब्यूलर एपरेटस, वहाँ पर बैलेंस के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल एंड जो वेस्टिब्यूल है जिसमें यूट्रिकल एंड सेक्यूल आता है इज कंसर्न्ड विद बैलेंस। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ईयर में, आर अरेंज इन अ वे दैट परसीव पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस। सो ये जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये राइट एंगल पर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। राइट एंगल पर प्रेजेंट होने की वजह से हमारा हेड स्पेस में किसी भी पोजीशन पर हो, लेफ्ट राइट आगे पीछे किसी भी पोजीशन पर, तो ये जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है ये हेड की पोजीशन को परसीव कर लेती हैं। देन चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हेड कॉजेज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। अब हमारे जो वेस्टिबुलर एपरेटस है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पैरालिम्फ एंड एंडोलिम्फ। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हेड, हेड की चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से ये फ्लूइड क्या करता है, मूव करता है। फ्लूइड मूव होने की वजह से क्या होता है, जो हेयर सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल में एम्प्यूला में हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस में यूट्रिकल एंड सेक्यूल में प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स। सो हेयर सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनको सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो हेयर सेल फ्लूइड के मूव होने की वजह से बैंड हो जाते हैं। बैंड होने की वजह से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। नर्व इम्पल्सेस जनरेट होने की वजह से जो नर्व्स हैं वो जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, एक जो वेस्टिब्यूल पोर्शन है जो वेस्टिब्यूल से निकल रहा है, कोक्लियर पोर्शन कोक्लिया से निकल रहा है, सो जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। देन ये फर्स्ट सेरिबेलम में जाती है। अब इसके साथ एक तो ईयर से निकल रही है नर्व्स प्लस हमारी आईज से भी निकल रही है एंड जॉइंट से भी, ये तीनों नर्व्स आपस में मिलती हैं जिससे बैलेंस मेंटेन होता है बॉडी का। सो ये तीनों नर्व्स फर्स्ट सेरिबेलम में जाती है देन सेरिब्रम में, एंड इस तरह से ईयर से जो वेस्टिबुलर नर्व निकल रही है प्लस हमारे जॉइंट से जो नर्व्स निकल रही हैं एंड देन हमारी आईज से, ये तीनों क्या करती हैं, बैलेंस और पोस्चर को हमारी बॉडी के मेंटेन करती हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।